पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वो अपनी साइड में देखकर डर गया कि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियाँ उसके आसपास भिनभिना रही थी। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थी। इसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकाल कर फ्लेचर को कॉल लगाई, लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर उसने छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे का दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। वहाँ ना खाना था ना पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल गई, जिसके अंदर उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैंस और 6 हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल नहीं करना आता था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने 6 हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तो दया तक ना तोड़ पाए। भूख और प्यास से बेहद परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वो तुरंत 6 हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगा। वो वहाँ सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली, लेकिन फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन कैन बंद किया और उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ी। अब जिंदा रहने के लिए उसे बियर ग्रिल्स बन के वो कीड़े मकौड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से वो सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहाँ से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के उस पार गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि वैसे ही एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वो निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी, तो शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब उस आदमी ने लड़की को जगाया तो वो बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। उस आदमी में उसे कुछ भी समझा पाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही डरी हुई लड़की ने आकर उसे जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर भी चोट आ गई थी और उसे अब आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदनी शुरू कर दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे
उसे पेशाब आ गया और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम भी करना ही पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो ये समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। फिर आदमी उसे कीड़े खाने भी सिखाने लगा, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग गया, लेकिन काफी वक्त लगे रहने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। आदमी ने एक गाना गाकर उसे शांत किया और वो भी उसके साथ गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकालकर उसके जख्म पर लगाया। देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो गई और दोनों इकट्ठे खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहली वाली जगह पर आ गया। काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जब तक वो दरवाजे से पीट करके रखेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। बदकिस्मती से ये भी वैसा ही सेम कमरा था जहां एक खाली कब्र रखी गई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अब भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल है। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटाकर सुलाने लगी। अब वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चू तक की आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर उसने लड़की को उड़ा दिया। इसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो गया। अभी उसे ताले के घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दरवाजे की तरफ पीट करके आगे बढ़ना शुरू किया। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। अचानक इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने आया। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद सुंदर झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला।